हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लेजर्स होते हैं उसको टैली कैसे करते हैं, तो टैली एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं लेजर्स की। अभी फॉर एग्जांपल एक हम लोग इसमें चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ करंट करंट असेट्स में चलते हैं, डेटर्स में जाते हैं। डेटर्स में जाने के बाद ये देखिए ममता सिंह से 2999 रुपीज़ आया हुआ है और ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। एंड एंटर करके बता देता हूँ आपको, ये देखिए ममता सिंह से बैंक में पैसा आया हुआ है, चेक नंबर लिखा हुआ है 2999 रुपीज़, 2999 रुपीज़ आया हुआ है। और यहाँ पे राजू सिंह से 3000 रुपीज़ आया हुआ है, सॉरी राजू सिंह को हमने बिल बनाया है 3000 रुपीज़ का। तो ये डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इससे पैसा लेना दिख रहा है और ये यहाँ पे बिल बनाना बाकी है, ऐसा शो हो रहा है बिकॉज़ ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये समझ लो इनकी वाइफ है और इन्होंने अपनी वाइफ के नाम से पैसा ट्रांसफ़र किया है, बट बिल इनको अपने नाम से चाहिए था तो इन्होंने बिल अपने नाम से लिया है। तो ये कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो वो ही एंट्री है ये, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो ये देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जेवी में एक जेवी पास करेंगे, जो डेट में बिल बना है राजू सिंह का 31 में, तो एक जेवी पास करेंगे यहाँ पे, जर्नल एंट्री F7 करके पास करेंगे। तो डेट भी मैं देख लेता हूँ, 31/3/2022 राजू सिंह का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस दिख रहा था, तो यहाँ पे हम लोग ममता सिंह लेंगे। तो ये जो 2999 है, जो यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहा है वो यहाँ पे डेबिट आ जाएगा, तो ये अपने आप सामने सामने राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये राइट ऑफ वाली और एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज है। अभी ये फिलहाल मैं एडजस्टमेंट एंट्री बता रहा हूँ आपको, सामने सामने 2 राजू सिंह 2999, 1 रुपया बच रहा है बिकॉज 3000 का बिल है, तो 1 रुपीज़ अभी भी लेना बाकी है। यहाँ पे देखो डेबिट हो गया ये बिल के अगेंस्ट, देखिए यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ गया है, ये बिल के अगेंस्ट एंट्री कर ली। अभी दोनों के लेजर्स में जाके देखेंगे, ममता सिंह देखिए ये लेजर टैली हो गया। अभी ये अपने को इसमें भी नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में, डेटर्स में, बिकॉज ये टैली हो गया, जेबी मार दी है। राजू सिंह का लेजर देखेंगे, देखिए यहाँ पे 1 रुपया लेना बाकी है, 1 रुपया दिख रहा है और ये हमेशा 1 रुपया पड़ा रहेगा, ये हमेशा दिखता रहेगा आपको। बैलेंस शीट में जाके बताता हूँ आपको, करंट असेट्स डेटर्स देखिए 1 रुपीज़ अभी भी शो कर रहा है लेना, और ममता सिंह का जो क्रेडिट बैलेंस था वो चला गया है बिकॉज हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री पास कर ली है, बिकॉज ये दूसरे अकाउंट से पैसा आया था और दूसरे अकाउंट में बिल बना था, तब क्या करेंगे हम लोग वो बताया मैंने। तो ये राजू सिंह का अभी भी 1 रुपीज़ लेना दिख रहा है कि हमको राजू सिंह से 1 रुपीज़ लेना है। अब 1 रुपीज़ तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एक जेबी पास करेंगे। जेबी पास करने से पहले एक लेजर बनाएंगे, मैंने एक लेजर बनाया हुआ है बैलेंस राइट ऑफ का, मैं आपको एक दूसरा बना के दिखा देता हूँ, बैलेंस राइट ऑफ 2 करके, ALC इसका शॉर्टकट होता है लेजर बनाने का। देखिए अकाउंटिंग इन्फो लेजर और क्रिएट ALC, यहाँ पे हम लोग बैलेंस मैंने एक बनाया हुआ है, मैं ऑलरेडी ऐसे आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बैलेंस राइट ऑफ करके हम लोगों ने एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंस ही है, 1 रुपये का नुकसान है वो बिकॉज 1 रुपया आने वाला है नहीं। अभी यहाँ पे एक जेबी पास करेंगे 31/3 में ही 2022, ये राजू को नहीं रख सकते बिकॉज वो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट करेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस राइट ऑफ को देखिए, ये मैंने क्रिएट किया था, ये पहले वाला है मैंने जो अभी आपके सामने क्रिएट किया उसी में डाल देता हूँ, 1 रुपीज़ 2 राजू सिंह, देखिए राजू सिंह का बैलेंस 0 हो गया है अभी और यहाँ पे 1 रुपया आ गया है ये वाले बिल के अगेंस्ट में। देखिए यहाँ पे बैलेंस भी बता रहा है जहाँ से वो टैली कर रहा है। अभी देखिए बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट असेट्स में, डेटर्स में जाएंगे, देखिए ना राजू सिंह दिख रहा है ना ममता सिंह दिख रही है। अभी यहाँ पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बैलेंस राइट ऑफ दिख रहा है, देखिए 1 रुपया आ गया है आपके खर्चे में, ऐड हो गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, किसी का 50 पैसा आना बाकी होता है, किसी का 3 रुपया आना बाकी होता है, किसी का 2 रुपया आना बाकी होता है। तो ये हम लोग बैलेंस राइट ऑफ कर सकते हैं या डेटर्स राइट ऑफ करके क्रिएट कर सकते हो और वैसे उड़ा सकते हो।
तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू, बाय।